हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नई जगह जो ताला मोड़ अचरोल के पास में स्थित है उसके बारे में बताऊं। श्री मलेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो मलेश्वर महादेव मंदिर दो तीन जगह स्थित है, पर मलेश्वर महादेव मंदिर एक यहाँ पर भी है, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। ये शुभम रिसोर्ट के आसपास है, शुभम रिसोर्ट जो ताला मोड़ पर है। तो ताला मोड़ से ही हम दो तीन जगह और जा सकते हैं। बांका बारी माता मंदिर जो है वहाँ है, उसका रास्ता भी यहीं से जाने का है, और ताला की जो हजरत दरगाह है वहाँ के जाने का रास्ता भी यही। तो ये रास्ता जो जाता है, ये वाला रास्ता काली घाटी जाता है, काली घाटी बलोची की तरफ चला जाता है। इस पर मैं कई वीडियो शूट करके बताए हैं आपको, और मैं इस पर एक टावर और पहाड़ के ऊपर स्थित उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर कंट्रोल ऑफ ऑडिट जनरल का ऑफिस भी है, तो आप इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे पीछे जो सड़क जा रही है ये दिल्ली को जा रही है, दिल्ली शाहपुरा को जा रही है, और इस तरफ जो सड़क आ रही है मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा। तो ये वाली जो सड़क है, ये सड़क जयपुर से आ रही है, आमेर या जयपुर। अगर आप आमेर और जयपुर से आप आते हैं, तो यहाँ पर ताला मोड़ से आप देखते हैं, और टी पॉइंट के से रॉन्ग साइड होते हुए हम इसे आगे मंदिर जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय जाने का रास्ता इसी तरफ है, और साथ के साथ में ये टी पॉइंट से सीधा का सीधा रास्ता कांट कालवाड़ को चला जाता है। इसी में महाराज राजू जी का आश्रम, जिसको लदाना आश्रम के नाम से जानते हैं, तो वो भी है, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये रास्ता देख ही रहे होंगे आप, यही एक बड़ा सारा टावर है उसको जाता है, तो ये रास्ता वहाँ चला जाता है। तो देख रहे होंगे दोस्तों, ये कांट कालवाड़ का जो बोर्ड लगा हुआ है, इसी से ये टी पॉइंट या सड़क आगे की तरफ जाती है, और यहीं से हम आगे जा सकते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों, ये एक रजवाड़ा रेस्टोरेंट है, इसके पास में ये रास्ता जा रहा है, और रजवाड़ा रेस्टोरेंट से है आप जा सकते हैं। तो रजवाड़ा रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो श्री मलेश्वर महादेव का मंदिर आ जाएगा। हुआ है सरदार मल खंडा का चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित श्री दिगंबर आचार्य रतन 2008 है ना, श्री दिगंबर जैन आचार्य रतन का भी मंदिर यहाँ पर है, और इसी से आगे हम चलेंगे तो ये श्री मलेश्वर महादेव मंदिर दिखने लग जाएगा, जिस पर लिखा हुआ रिको इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट। तो और बड़ा सारा अपने भारत का झंडा भी लगा हुआ है, और इसी के जस्ट सामने जम्बू पंजाब होटल, जम्मू पंजाब करके होटल भी एक है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। और अब ये श्री मंगलेश्वर महादेव का मंदिर आ जाता है। ये शुभम रिसोर्ट या श्री मंगलेश्वर महादेव का मंदिर जो है ये आ गया। तो ये देख रहे होंगे आप मंगलेश्वर महादेव का मंदिर, ये इसका मेन द्वार है, तो इसके द्वार से ही आप अंदर जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये दिल्ली से सड़क जो आ रही है, इसके टी पॉइंट पर ये जम्मू पंजाब होटल या शुभम रिसोर्ट करके लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप सीधा के सीधा अंदर जा सकते हैं। और इससे भी रास्ता है शुभम रिसोर्ट से भी, और दूसरा मंदिर प्रांगण से भी बनाया रखा है मेन गेट, तो वहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं। मंदिर का मेन जो प्रवेश द्वार है वो है, तो सड़क के बाद में आप इस वाले रास्ते से अंदर जा सकते हैं। और आज सोमवार भी है, तो थोड़ा श्रद्धालु भी आपको यहाँ मिलेंगे। अब हम आगे मंदिर में चलते हैं।
मंदिर का जो ग्रैंड एरिया है वो है, तो मैं इस तरह से धीरे धीरे आपको पूरा अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मंदिर में क्या है। आइए, जो जल चलाएंगे दर्शन करने शिवलिंग बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा बना रखा है, तो कभी भी आप यहाँ समय निकाल के आप जैसे ही आएंगे तो आपको बड़ा अच्छा होगा। और एक ऋषि महाराज के बारे में जो बताइए कि बनारस के हैं, इन्होंने इसकी एक नींव रखी, एक विचार उनके मन में आया, तो ये विचार अपने लिए राजस्थानियों के लिए स्पेशल बड़ा जा मतलब सोचने की बात है और मानने की बात है कि वो इतने आध्यात्मिक गुरु यहाँ आते हैं, उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ बनाई। मैं और दिखाना चाहूँगा आपको उसका जो है कई तरह की और छोटी छोटी गणेश जी की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित कर रखी है और मंदिर का एक समय सारणी यहाँ बना रखी है, उसके हिसाब से यहाँ पाठ पूजा होती है। मैं यहाँ आज जो पुजारी है मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी आपको कुछ जानकारी देंगे, तो वो जानकारी मैं आपको दूँगा। और आइए आप चलते हैं दोस्तों आगे। ये जो आध्यात्मिक गुरु चित्राम है ना, तो उनके बारे में बताया गया, तो इसकी मैन रखने की जो कि वो यही थी। थैंक यू। अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत अगर कहीं भी पढ़ा हुआ जाना हो ना, आप इधर लो वीडियो। नहीं नहीं मेरा वीडियो नहीं दिखता, नहीं आवश्यकता। अगर आप थोड़ा सा बता दो तो कोई नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कर पाती थोड़ा। हाँ मैं गुरु अब वापस शुरू करो दोबारा स्टार्ट। मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, आज यहाँ पे हमें एक श्रद्धालु और मिले, तो वो भी कुछ और बताना चाहते हैं आपको, तो वो जानकारी जो यहाँ के ये महाराज जो हैं उनके बारे में। मुख्य रूप से महाराज के बारे में तो हमारे जो श्रीमती जी है उनके परिवार से संबंधित अच्छा गुरु हैं, तो उस वजह से मेरा आना हुआ पहली बार ही जी। तो इस बारे में तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट शिव और जो हमारी जो भी सांस्कृतिक विरासत है वो एक साझी विरासत है और सब कुछ एक दूसरे से बहुत गहन रूप से जुड़ा हुआ है। राइट सर। और इसलिए मेरे को उनका तो इतना पता नहीं, बट मैंने यहाँ पर आते ही तेलंग स्वामी का चित्र देखा और तेलंग स्वामी जो है ये हमारे भारत की जो आध्यात्मिक धरोहर है उसमें एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। अच्छा। इनके बारे में कई लोग ये दावा करते हैं और ये मानते हैं कि ये जो है ये 200 से 250 साल से भी अधिक समय तक जीवित रहे। ओके। और ये सभी जितने भी आध्यात्मिक संस्कृति में जो महान सना जो थे वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और ऐसा नहीं था कि ये किसी समय में नहीं थे और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये किसी समय में नहीं होंगे, ये अभी भी उतनी ही उपस्थिति से हमारे बीच में हैं। अच्छा। हमें बस ये है कि हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाने की आवश्यकता है अगर इनका अनुभव हमें वास्तव में करना हो तो। राइट। इनका कोई आश्रम वगैरह भी है क्या? ये बनारस के रहने वाले बनारस में, और इनकी प्रचलित कहानियाँ ऐसी है कि जो सामान्य हमारे जो विश्वास हैं उनको बुरी तरह से तोड़ सकती है, तो आपको बहुत साहस चाहिए अगर जैसे शिव को स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए। जी जी। और इसने शिव को स्वीकार कर लिया, उसने पूरे जीवन को स्वीकार कर लिया। इसी तरह से इन संतों को भी स्वीकार करने के लिए बहुत साहस चाहिए। राइट। जिन्होंने ये पूरी तरह जीवन ही है। राइट। इनसे अलग कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अखंड मंडलाकार व्याप्तन्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेवेभ्यो नमः। परमात्म कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम शिव ओम शिव ओम।
ओम शिव ओम 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 ओम श्रीकंडम चंदनम दिव्यम गंधार्धम सुमनोहरम विलेपनम सुरेश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृहीतम् गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां मेघोभवे श्रियं महा ओं त्रिदुर्लं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिकृतायुधं त्रिजनं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं महामाल्याग्निं सुगन्धिं निमज्जतादिनी विप्रभु मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं मम पुष्पं समर्पयामि नमः सर्वं सदाशिवाय नमः। इनको यहाँ शिवपिंड दर्शाया गया है। अच्छा, शिवलिंग नहीं, शिवपिंड, शिवपिंड के नाम से। जी जी, ऐसा क्यों? ऐसा है, गुरु महाराज जी ने स्थापित की हुई है। कौन गुरु महाराज जी ने? श्री कृष्ण गोपाल व्यास जी महाराज। श्री कृष्ण गोपाल जी व्यास जी महाराज जी कहाँ के थे? जयपुर में स्थान। अच्छा, जयपुर में। जयपुर, जयपुर में कौन से मंदिर से कनेक्टेड थे? गरीब थे, सब जगह जाते थे, सब जगह जाते। हाँ जी, ये स्थापित कराए गई मूर्ति इनकी है। या कोई विशेष ऐसा प्रोग्राम होता हो साल में या महीने में, कोई ऐसा रखते हो? शिवरात्रि का, शिवरात्रि का, रामनवमी का होता है, रामनवमी का होता है, ऐसे आयोजन होते हैं। अच्छा, हाँ, गुरु महाराज जी का जन्मदिन होता है। अच्छा, इनको शिवपिंड दर्शाया गया है। शिवपिंड दर्शाया गया है इनको। तो ये शिवपिंड और भी कहीं अपने राजस्थान में या भारत में? नहीं नहीं, गुरु महाराज जी ने की मैं एक स्थापित ऐसी मूर्ति कर रहा हूँ जिसका अंदर पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं हुआ है, कहीं नहीं, सब जगह शिवलिंग बोलते हैं, इन्हीं को शिवपिंड दर्शाया गया है। कोई भी माता बहने कोई भी है स्पर्श कर सकती है, कोई भी चरणामृत ले सकती है इनका, कोई भी असाध्य रोग हो, हरी बीमारी, एलर्जी कुछ भी हो, वो सब इनका चरणामृत लेने से, इनका स्पर्श करने से ही ठीक हो जाता है। और इन्होंने दो चीज बताई, एक तो गुलाब के पुष्प जो चढ़ते हैं अपने जी, इस पत्ती को ऐसे ग्रहण कर लेते हैं आशीर्वाद रूप में, और एक जो जल चढ़ता है इसको। दो चीज ऐसी बताइए गुरु महाराज ने, कोई भी असाध्य रोग हो, कोई भी हरी बीमारी, कोई भी व्यापार संबंधी, दो चीज से विशेष चीज रखते हैं, भगवान के चढ़ा हुआ आशीर्वाद हो जाता है, भगवान के चंडा हुआ तो आशीर्वाद हो जाता है। हाँ, ये ओम शिव ओम महाराज जी ने गुरु महाराज जी ने बताया हुआ है। अच्छा, ये मंत्र भी ओम शिव ओम है, महाराज जी ओम नमः शिवाय मिलता है, पर यहाँ देखने की बात है तो ओम शिव ओम मिला है। ये पार्वती जी का बोला हुआ मंत्र है शिव जी के लिए। अच्छा अच्छा, प्रसन्नता मंत्र है, इसको जाप करने से सिद्धि प्राप्ति होती है, अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये है गुरु महाराज जी की कृपा। बंद कर दो। ये गुरु महाराज की फोटो जो स्थापित कर रखी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और मैं तो कहूँगा दोस्तों, कभी न कभी समय निकाल के ज़रूर यहाँ आ पाएँ। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि आज सोमवार था और हम यहाँ सोमवार को आए भी हैं। और ये शिव पिंड है, शिवलिंग नहीं है, और असाध्य बीमारियों के लिए ये जाना जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और एक सनातन धर्म के लिए एक पहल है इस तरह से। तो आप कभी भी यहाँ आएँ, और इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और साथ के साथ सभी लोगों को बताएँगे कि ये इस तरह के एक वीडियो जो बना रहे हैं हम, और इनको आप प्रमोट करें। कमेंट करके भी हमें ये बताएं कि आप क्या कुछ और नया देखना चाहते हैं, और फिर ताकि मैं इस तरह के और वीडियो बना सकूं। और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू वेरी मच।